घाट को फरिश्त और वेस्ट को जोड़ने वाले पब्लिक ब्रिज को नागरिकों के लिए शुरू किए जाने की कांग्रेस ने की मांग। मुंबई घाट को फरिश्त और वेस्ट ब्रिज पिछले एक साल से बंद है और 6 महीने से बनकर तैयार होने के बावजूद आम नागरिकों के लिए शुरू नहीं किया गया है, जिससे ईस्ट और वेस्ट में आने जाने के लिए नागरिकों को घूमकर या फिर रेलवे स्टेशन के ब्रिज से होकर जाना पड़ता है, जिसके चलते टीसी से आए दिन बहस या फिर दंड भरना पड़ता है। नागरिकों को हो रही असुविधा को देखते हुए घाट कोपर के कांग्रेसी नेताओं में ईशान मुंबई महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मनीषा सूर्यवंशी, मुंबई कांग्रेस सचिव हरीश करकेरा, मुंबई कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि केतन शाह, मोहम्मद मुकीम शेख, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नासिर गौहर खान, सुप्रिया कदम ने घाट कोपर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पत्र देकर सोमवार तक ब्रिज शुरू किए जाने की मांग की है और चेतावनी देते हुए कहा कि सोमवार तक ब्रिज शुरू नहीं किया गया तो हम मंगलवार को ब्रिज आम नागरिकों के लिए खोल देंगे। उक्त अवसर पर मुंबई महिला कांग्रेस की सचिव अनीसा ताज खान, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष गौरंग पटेल, खलील खोत, अनिल कुमार यादव, सीमिता खातू, संगीता बरपे, दयानंद जगताप, रमेश जाधव, भूषण देसाई, विंदेश पाल सिद्धू, लता टंक, अशोक कनौजिया, सचिन पोल, मोहन सालवी, राणे ताई, ब्रजेश शर्मा, मालू खालापुरे, जयंत अहिरे सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो न्यू ब्रिज हुआ है उसका उद्घाटन करने के लिए जल्दी उसको खोलने के लिए हमने वो फॉरवर्ड लिया है, लेटर लिया है और अपने आगे का कार्रवाई करने के लिए अपना हायर अथॉरिटी को देते हैं। थैंक यू।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।